वेदर ने तो थोड़ा सा मायूस कर दिया है नेक्स्ट वीक में यार, अब क्या ही करें। अब बारिश, सितंबर दिन में गर्मी रहेगी, शाम को ठंडा रहेगा, ऐसा रहता है ये। ऐसा ट्रैफिक हो गया, रोड क्रॉस कर लेते हैं आगे को जाके फुटपाथ। हे गाइस, क्या हाल है सभी का, आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आने वाला जो वीकेंड है, मतलब 8 से 10 तारीख तक में जो भीड़ होने वाली है, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में G20 समिट हो रहा है और दिल्ली में भाई लॉकडाउन भी है, तो यहाँ पर भाई तगड़ी वाली भीड़ होने की संभावना है, पूरी दिख रही है। क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है इसी के रिगार्डिंग कि हम नेक्स्ट वीकेंड पे, यानी कि 8 से 10 तारीख तक में नैनीताल में पधारने वाले हैं, तो कैसा माहौल रहेगा, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वक्त हूँ मैं तलीताल डाट के पास और आज भी काफ़ी टूरिस्ट हैं शहर के अंदर। बाकी भाई मौसम तो बहुत ही अद्भुत हो रहा है, तो हम भाई मौसम पे भी चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट वीकेंड पे किस तरीके का मौसम भी रहने वाला है, क्योंकि लोग ट्रैवल करेंगे तो किस तरीके के कपड़े वपड़े लेकर आएँ, कैसी भीड़ रहेगी। टूरिज़्म तो खैर बूम में भाई पूरी पूरी संभावनाएँ दिख रही हैं, बट ये है कि चलो हम बात करेंगे आगे। फिलहाल क्या है कि पहले तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। तो पहले हम डायरेक्टली मौसम पर चले जाते हैं, किस तरीके का मौसम रहने वाला है नेक्स्ट वीकेंड पर। देखो 8 से 10 तारीख तक में मौसम विभाग के हिसाब से 62-66% बारिश बता रखी है तीनों दिन ही। तो भाई यार ये कहीं ना कहीं मायूसी वाला मामला दिख रहा है, क्योंकि आज देखो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन अगर मौसम विभाग बता रही थी इतना परसेंट बारिश का है, तो भाई बारिश होगी, ये थोड़ी सी सैड न्यूज़ है, अब क्या ही करें। लेकिन जो लोग भाई अब आने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी एक हाइप बनी हुई है कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, तो लोग आएंगे, क्योंकि लोग यार या तो नैनीताल की तरफ जाएंगे या और हिल स्टेशन जाएंगे, लेकिन जाएंगे ही। पहला जो बोट स्टैंड पड़ता है नैनीताल एंटर करते ही, वो यही है आर्मी रिकूप सेंटर, ये रहा। और हम आगे को चल रहे हैं मॉल रोड, मॉल रोड अपना वॉकिंग करते हुए आराम से पूरा घूमते हुए चलेंगे और खूब ज़्यादा बातें भी करेंगे। बाकी शहर में आज भी अच्छा खासा क्राउड है यार, बढ़िया भीड़ हो रही है आज। तो जिस तरीके का अनुमान लगा रखा है यहाँ पर हिल स्टेशन में, और भी बहुत से हिल स्टेशन में अनुमान लगा रखे कि बहुत भीड़ होगी, वो तो देखना ही पड़ेगा किस तरीके की भीड़ होगी। जब तक भीड़ आती नहीं है, लेकिन संभावनाएँ लग रही हैं भीड़ की, क्योंकि एक तो लॉकडाउन भी 8 से 10 तारीख तक में दिल्ली में लगा रखा है, खास G20 के चक्कर में, तो लोग पहले ही ऐसा कर रहे हैं, प्री बुकिंग होटल्स की करवाने लग गए हैं। अगर आप लोग भी आना चाह रहे हो, वैसे तो होटल मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हमें क्या ऑनलाइन होटल बुकिंग करवा के ही आना चाहिए, ये भी क्वेरी लोगों के माइंड में आ रही होगी। तो यार जो लोग थोड़ा बहुत सेफ्टी साइड या सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हैं, तो वो होटल बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन हाँ होटल रेट्स थोड़े से यार ऑनलाइन तो ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेरेटिवली। अगर आप ऑफलाइन यहाँ आकर होटल लेते हो तो ऑनलाइन तो ज़्यादा होंगे ही, बट एक अगर आप आते हो तब भी होटल मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा करते हैं मॉल रोड की तरफ को आगे को चलते ही, यहाँ पे मैं एक पार्क में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर से ही निकलना पड़ेगा। ये भी क्या वॉकिंग आराम से, अभी देखना कितने बड़े बड़े नज़ारे मिलने वाले हैं हमें। नज़ारे तो मिलेंगे, लेकिन जो भाई इन्फॉर्मेशन चाहिए सबको, सब उसी की तलाश में है कि यार हम लोग आएँ। और यार वेदर ने तो थोड़ा सा मायूस कर दिया है नेक्स्ट वीक में यार, अब क्या ही करें, अब बारिश पड़ेगी, अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते हैं, अब बारिश अब वो तो आगे पीछे कुछ हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, अब लोगों के माइंड में आ तो गया होगा कि हम जा रहे हैं हिल स्टेशन में, और ख़ासकर नैनीताल जा रहे हैं, तो हाँ यार बारिश मिलने की संभावनाएं हैं। जो भाई सबसे भयानक चीज़ आती है होटल्स, भाई कोई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव तो नहीं हो जाएंगे होटल, हम आते हैं कहीं 4-5 हज़ार के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं लग रहा कि इतने महंगे होंगे होटल। लेकिन अगर भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, फिर भी यार मैक्स टू मैक्स 3,000 या 2,000 या 2,500 में वैसे मिल जाएंगे होटल। उतना ज़्यादा मतलब माइंड मत सोचना कि यार 5,000 में हमें मिलेंगे, जैसे सीज़न वाला हो जाता है ना, सीज़न में जिस तरीके से लोग इस बार तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे यार लोग, मतलब मुझे तो लिटरली लिखा था कि यार हमने 7,000 रुपये में होटल लिया था सीज़न में, आप क्या ही करें, लोग आए थे। लेकिन उस लेवल तक तो नहीं जाएगा उतना, तो यार एटलीस्ट आप रिलैक्स करके आ सकते हो कि नहीं 7,000 तक तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप दो तीन हज़ार इस तरह तो माइंड मेकअप करके चलना अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई तो। आने वाले दिनों में तो यार मौसम क्या है कि हल्के हल्के अब ठंड बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि हिल स्टेशन है पहाड़ों में, अब सर्दियाँ भी हल्के हल्के शुरू हो जाती हैं। बाकी ये कि अब ये गर्मियों का लास्ट चल रहा है, वैसे पूरे सितंबर की बात करें तो सितंबर दिन में गर्मी रहेगी, शाम को ठंडा रहेगा, ऐसा रहता है ये। जैसे आज भी देखो दिन में गर्मी हो रही है, मतलब लोग टी शर्ट में लोकल्स भी दिख जा रहे हैं, बट ये कि शाम को यार स्वेटर निकालना ही पड़ जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि नहीं यार चलो टी शर्ट में शाम को भी काम चल जाएगा। तो अगर आप उस टाइम भी आते हो 8 से 10 तारीख तक में, तो यार स्वेटर वेटर कैरी करके लेकर आना कि कहीं पछताना पड़े, क्योंकि शाम को हो जा रही है भाई एकदम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। एक क्वेश्चन लोगों का और है कि क्या आना ठीक रहेगा, ऐसी अगर भीड़ हो जाती है तो कहीं यार हमारा ट्रिप बेकार तो नहीं हो जाएगा, कहीं हम परेशान तो नहीं हो जाएंगे। देखो ऐसा है, दिल्ली के G20 के वजह से नैनीताल में भीड़ तो होने वाली है,
पर इतनी भयानक भीड़ भी नहीं होगी यार, ऐसा खाली दिल्ली में ही तो G20 हो रहा है अभी फिलहाल, तो दिल्ली में ही लॉकडाउन हो रहा है, तो दिल्ली हाइट्स ही आएंगे, क्योंकि भीड़ भी इसलिए हो रही है क्योंकि नैनीताल में ज़्यादातर क्राउड जो आता है ना दिल्ली या यूपी का ही आता है घूमने उमने के लिए, फिर मतलब ज़्यादातर जो आता है लोग, क्योंकि दिल्ली से यार 320-325 किलोमीटर ही है नैनीताल का डिस्टेंस इतना ही, तो इतनी भयानक वाली भीड़ नहीं होने वाली है, तो आप संतुष्ट हो जाइए, आपको ऐसी भयानक परेशानी का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने प्लान बना ही लिया है कि लॉकडाउन भी है और यार घूमने निकल पड़ते हैं, तो अब ठीक है यार, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी शहर में आकर। आप तो हम कैनेडी पार्क एंटर कर चुके हैं और देखो कबूतर, देखो यहाँ तो यार क्या ही मस्ती से दाना चुग रहे हैं। हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है, सब लाइन बारी से सारे खड़े हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे दाना डाल रखा है ना, तभी यहाँ पर कोई इनका एक बना दिया है, खाना खाने का स्पॉट बन गया है, तो तभी ये इधर उधर से सारे मंडराते हुए कहाँ गए। अच्छा ये रहा, ये भी खा रहा है। वॉकिंग करते करते हम लोग आ चुके हैं जॉगर्स पार्क के पास, ये ओपन जिम, यहाँ पर को काफ़ी लोग आते हैं सुबह सुबह, खासकर थोड़ी बहुत मसल जो है या एज 60+ वाले काफ़ी दिखते हैं मुझे यहाँ पर, थोड़े बहुत बॉडी टोन अप करने के लिए। बट अच्छा है, खैर अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है ये रोटरी क्लब ने कि एटलीस्ट यहाँ पर एक जॉगर्स पार्क खुल गया है, और अच्छा ये मॉल रोड के बीच में, टूरिस्ट भी काफ़ी इंजॉय करते हैं इधर, तो बच्चे अच्छे ना खूब यहाँ पर को मशीन में अपना मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट करते रहते हैं। बाकी धूप यार अभी थोड़ी सी तेज़ हो गई है, अभी क्या था कि हम पूरे ही कैनेडी पार्क से आ रहे थे ना, तो वहाँ तो बिल्कुल ही छाँव में चल रहे थे, लेकिन एकदम से ही तेज़ धूप, अब कैनेडी पार्क भी ख़त्म हो गया है, अब बाय रोड, अब रोड ही रोड चलना पड़ेगा, यहाँ से सीधे रोड की तरफ को चलते हैं, लेकिन पहले ही डेक पर चलते हैं यार, हम भी ऊट पटांग हर जब तक करेंगे नहीं, पहले थोड़ा सा और अच्छे से नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। सो भीड़ भाड़ है ही शहर में, ठीक ही है, अच्छा माहौल हो रहा है शहर का आज, ऐसा ही अच्छा रहे तो अच्छा है, लेकिन यार अब बारिश का तो क्या ही कहें, ये अब उससे पूछने लग गए हैं यार, पीछे चिल्ला रहा है भाई बोटिंग करवा देंगे आपको, क्या कहें यार, अब किसको कहें भाई, मैं लोकल ही हूँ। चलो ऊपर को चलते हैं। ऐसी चिलचिलाती हुई गर्मी में भी दिन में भी काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं ना भाई, ये शाम को और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि आप कहना लोग हल्के हल्के शाम तक पहुँचेंगे, तो और ज़्यादा भीड़ आज शाम को दिखने वाली है। फिलहाल मैं शीला होटल के पास पहुँच चुका हूँ, बहुत से लोग इस होटल के बारे में मुझसे पूछना चाहते हैं, इसका रिव्यू दे दो यार, कभी इस होटल का रिव्यू देंगे अभी नहीं, लेकिन हम मॉल रोड में स्थित है, थोड़ा थोड़ा पैदल चलोगे मॉल रोड में दिख ही जाएगा, पीछे शीला होटल बड़ा बहुत बड़ा सा होटल है, यहाँ पर भी सही रेट पे होटल मिल मतलब कमरे मिल जाते हैं, 2000 से शायद ऑफ सीज़न में और 1500 में भी इजीली मिल जाते हैं, और मतलब और भी इनके फिर अच्छे लग्जूरियस रूम भी हैं, वो अकॉर्डिंग टू, तो वही वाली बात है यार कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, वही वाला सीन है, तो चेकआउट कर लेना। वैसे ऐसे बहुत से होटल हैं मॉल रोड में, तो भाई होटल ही होटल हैं, नैनीताल में इतने होटल हैं ना यार, भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई यार ये कौन सा होटल है, मुझे खुद लगता है यार ये भी कोई होटल एग्जिस्ट करता है इस नाम से, क्योंकि इतने ज़्यादा होटल बन गए ना यहाँ पर। तलीताल से शुरू कर रहा था, पहुँच चुके हैं हम लोग मल्लीताल में, सामने ही रहा रिक्शा स्टैंड और इधर को हुई माँ नैना देवी मंदिर, थोड़ा सा ट्रैफिक हो गया, रोड क्रॉस कर लेते हैं, आगे को जाके फुटपाथ वाला एरिया पूरा ही, और यहीं से आगे जाके बोटिया मार्केट, तृप्ति मार्केट, चाट पार्क, सभी यहीं से आगे जाके, गुरुद्वारा भी यहीं से आगे जाके को है, मंदिर भी यहीं से आगे जाके को है, और बाकी हेरिटेज मार्केट तो वहाँ से आगे को जाके है। तो अभी देखो यहाँ पर कभी दुकानें लगी भी नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे हैं इधर। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय द वीडियो, सो लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टारा शुम।